और आंदोलन और उनके महत्व व्याख्यान के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अगला हम देखेंगे कि विद्रोही क्या चाहते थे। जो विद्रोही थे वे देश की आज़ादी चाहते थे, उसके साथ साथ एकता की कल्पना। एकता की कल्पना ऐसे कि मतलब उस समय जो था, जो ऊंच नीच भेदभाव को भूल कर हम देश की आज़ादी के लिए एकता स्थापित करें और एक साथ लड़ाई लड़ें। फिर उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ, उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में बहुत सारे चित्र, कार्टून, ये सारी चीज़ें आ रहे थे, वो प्रतीक जो थे उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला और साथ ही साथ उसे दूर करने के साथ साथ हम देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाह रहे थे। फिर है धर्म परिवर्तन। उस समय जो अंग्रेज थे वे धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हिंदू मुस्लिमों को ईसाई बना रहे थे, इस कारण भी विद्रोही लोग उससे आक्रोशित थे। फिर समतापरक समाज की कल्पना। समतापरक समाज की कल्पना इसलिए की गई थी कि सभी को यदि हम एक रूप से देखेंगे, एक समाज के रूप में उसकी कल्पना करेंगे, तभी हम देश की आज़ादी के लिए हम लड़ सकते हैं। फिर वैकल्पिक सत्ता की तलाश। अब वैकल्पिक सत्ता की तलाश इसलिए थी कि यदि हमें विद्रोह करना है तो कोई ना कोई ऐसा शक्तिशाली राजा होना चाहिए जो कि उसका प्रतिनिधित्व कर सके। इस तरह से भी हम वैकल्पिक सत्ता की तलाश उस समय कर रहे थे। फिर देखेंगे दमन। दमन क्या? दमन मतलब जो विद्रोही थे उन लोग का दमन अंग्रेज किस तरह से कर रहे थे, मतलब उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा जो विद्रोहों का दमन जो किया गया था, उन्होंने तेज वहाँ से बाहर से और भी अपने अंग्रेज सैनिकों को बुलाया और उसके साथ साथ वे बड़ी तेज़ी से उनका दमन करना शुरू कर दिया था। और उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि कम से कम एक गांव को हम जीतना है और उसे अपने कब्जे में लेना है। इस तरह से अंग्रेज द्वारा विद्रोहों का दमन किया जा रहा था और साथ ही साथ अधिकार करने की कोशिश की जा रही थी। फिर विद्रोह की छवियाँ। जो विद्रोह उस समय किए जा रहे थे, उस समय जो छवि बन रही थी वो किस तरह से बन रही थी? अब रक्षकों का अभिनंदन। अब रक्षकों का अभिनंदन क्या है? जो अंग्रेज थे या फिर वो कुछ विद्रोही थे या कुछ लोग जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, उनका लोग अभिनंदन कर रहे थे और उनका स्वागत भी कर रहे थे, उनका गुणगान भी गा रहे थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। यहाँ पर जो था, जो विद्रोही जो थे, जैसे सरकारी बंगले, सरकारी खजाने और सरकारी जो अधिकारी थे उनकी उन्होंने हत्या करना प्रारंभ कर दिया था, उनको लूटना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की जो प्रतिष्ठा थी उसको वे बचाना चाह रहे थे, अंग्रेज औरतों की रक्षा करना चाह रहे थे और ब्रिटेन की भी जो प्रतिष्ठा पर बनाई थी वे फिर से चाह रहे थे कि हमारी ब्रिटेन का शासन फिर से स्थापित हो जाए। फिर प्रतिशोध और सबक। जो अंग्रेज अधिकारी थे वे विद्रोहियों से प्रतिशोध रखते थे, वे किसी भी तरह से उनको सबक सिखाना चाहते थे, उनके विद्रोहियों को दमन करके वे फिर से अपना शासन स्थापित करना चाहते थे और साथ ही साथ विद्रोहियों को सबक भी सिखाना चाह रहे थे। फिर दहशत का प्रदर्शन। अब दहशत का प्रदर्शन कैसे? जो अंग्रेज अधिकारी थे वे विद्रोहियों पर दहशत भर देना चाहते थे जिससे कि वे डर जाए और विद्रोह करना छोड़ दें। उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, सजाए मौत जो था उन्होंने मार्शल ला लागू किया जिसमें सजाए मौत थी। यदि यदि ये सिर्फ शंका हो जाए कि यह व्यक्ति विद्रोही है या विद्रोह करने जा रहा है तो उसे सजाए मौत दी जाती थी। और दूसरा तरीका ये था कि तोप के मुहाने में बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था, तोप से बांधकर उनको उड़ा दिया जाता था। फिर दया के लिए कोई स्थान नहीं। अंग्रेजों ने उनके बीच में जो थे, जो विद्रोही थे, उनके लिए दया के लिए कोई स्थान ही नहीं था। जिस तरह से हमने बताया कि सजाए मौत देना या तोप के मुंह में बांधकर उड़ा देना, इस तरह से दया का कोई भी स्थान नहीं था। अंग्रेजों ने कहा था कि दया की भावना रखी जाएगी लेकिन यह नाम मात्र का था। फिर राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना। अब राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना इसलिए की गई थी कि जब 20वीं सदी में जब अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जब हम लड़ रहे थे या फिर उनसे विद्रोह कर रहे थे तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय सफल नहीं हुई थी, वह असफल क्यों हुई थी, ये सारे कारणों का ज्ञान भी हमें मिला क्योंकि इतिहास में अभिलेखों में, इतिहासों में, कहानियों में इस तरह से जो चीज़ें थी, जो गलतियाँ थी उसको कम करके, उसको दूर करके हम 20वीं सदी में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ तो उसमें ये सारी चीज़ें जो थी 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण
योगदान था, जिसमें झांसी की रानी थी। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, ये सारे लोग जो है उस युद्ध में अपना योगदान दिए थे। फिर है गृह कार्य। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति की सैनिक कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अंग्रेजी नीति से अवध के तालुकदार किस तरह से प्रभावित हुए? अवध का विद्रोह व्यापक क्यों था? और सन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नोट करने हैं और कॉपी में लिखना है।